हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइंड, आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह है, आप लोग देख सकते हैं, क्यूब रूट 1+3+5+7 और ये करते हुए 53 तक गया है, यानी 1 से लेके 53 तक का जितना भी ऑड नंबर है इन सभी का सम क्यूब रूट के अंदर है और इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि 1+3 इक्वल होता है 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। इसी तरह 1+3+5 इक्वल होता है 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो कि 1 से शुरू होगा, ठीक है, उन सभी का सम जो है सो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। और किसका स्क्वायर होगा ये भी आप लोगों को पता है कि अगर ये नंबर 1, 3, 5 यानी टोटल 3 नंबर है, 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर होगा। 1 से शुरू हो रहा है और 2 ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव तो 2 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह 1+3+5+7 1, 2, 3, 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 7, 16 होता है। देखिए इस तरह से सम करके भी 16 हो रहा है और ये 4 का स्क्वायर हो जा रहा है। इसी तरह से इसका मतलब समझ में आ गया आप लोग को कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 से शुरू होने वाला वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और जितना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो उतना का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 4 का स्क्वायर हो गया, 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया, 2 था तो 2 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब है कि 53 तक जितना भी ऑड नंबर होगा, ठीक है, तो इन सभी का सम उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें टोटल कितना ऑड नंबर है ये हम लोगों को पता लगाना है, तो इसको हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। 53 है ना लास्ट नंबर, ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 53 और 1 54 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 27 ऑड नंबर्स हैं टोटल इसमें और इन सभी का सम हम लोगों को निकालना रूट के अंदर, उसके बाद उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो इसको पहले मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट 27 का स्क्वायर है तो 27 × 27 क्यूब रूट। इस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 = 27 और इसको भी कर देते हैं तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट पेयर अब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, पेयर बनाएंगे 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो क्यूब रूट 9 × 9 × 9 है, इसका मतलब हो गया 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, यानी इसका वैल्यू हो गया 9। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।